भालू का पोटास बम से शिकारी ने किया शिकार, भालू के नाखून काट कर ले गए। गरियाबंद में पोटास बम से मादा भालू का शिकार करने का मामला सामने आया। भालू का शव इंदा गांव धुरवागुड़ी बफर परिक्षेत्र पहाड़ी के नीचे मिला है। पोटास बम फटने से भालू का जबड़ा फटा हुआ है और आगे दोनों पैरों के नाखून गायब है। उदंती सीता नदी ट्राइगर प्रोजेक्ट के बफर जोन के अंतर्गत शिकारी भालू के नाखून, लिंग और दांत के लिए भालू का शिकार पोटास बम से किए हैं। दरअसल वन विभाग का कहना है कि पोटास बम के ऊपर में कुछ वन्य जीवन के मांस को चिपकाने के बाद भालू ने जब उसे खाया तो वह पोटास बम विस्फोट हो गया और भालू का जबड़ा फट गया। चरवाहों ने भालू के शव की जानकारी वन अमला को दी। अज्ञात शिकारियों को पकड़ने डॉग स्क्वाड एवं एंटी पोचिंग उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम जुटी है। स्थानीय शिकारी है या अंतरराज्य शिकारी है, वन अमला इसकी खोज खबर में जुटा हुआ है। जबड़ा फटा हुआ है जो कि निश्चित रूप से पोटाश बम का जो इस्तेमाल करते हैं शिकारी उनके द्वारा जो है पोटाश बम का उपयोग करके इसका शिकार किया होगा और भालू द्वारा चबाने से जो है उसका जबड़ा फट गया और ये भी पता चला कि उसके कुछ नाखून और दांत जो है वो गायब थे, निकाल लिए गए थे। तो उसकी पता साजी करने के लिए हमने डॉग स्क्वाड जो है जंगल सफारी से बुलाया गया और कांकेर डिवीजन से बुलाया गया तो पता साजी की, लेकिन कुछ अभी तक कुछ इसमें अहम सुराग नहीं मिला है। लेकिन अभी भी अपराधियों की जो है पता साजी जारी है। इसमें साइबर सेल का भी हम जो है गरियाबंद साइबर सेल का भी उपयोग हम कर रहे हैं। सर, नाखून गायब हों तो निश्चित रूप से शिकारियों का होगा, क्या लगता है सर, स्थानीय शिकारी होंगे या बाहरी शिकारी हो सकता है? जी, इसमें पता लगाना पड़ेगा कि दोनों ही चीजें हो सकती हैं, स्थानीय शिकारी भी हो सकते हैं। और लेकिन ऐसा लग रहा है देखने के बाद शव को कि कोई जो है ऐसा आदतन शिकारी नहीं है, मतलब कोई स्पेशलाइज शिकारी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उसके पूरे ही जो पंजे के जो नाखून है वो गायब कर दिया रहता या जो है दांत या गुप्तांग उनका जो है गायब कर दिया रहता। लेकिन ऐसा जो है अभी किस्सा नहीं सामने आया है, तो इसलिए लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पोचिंग का जो है केस लग रहा है प्रथम दृष्टया।